हाय फ्रेंड्स, मैं पम्मी कुकिंग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही इडली, तो चलिए शुरू करते हैं। इडली बनाने के लिए एक कप उड़द का दाल, उसको हम अच्छी तरह पानी में धो के इसको भिगोने के लिए छोड़ दिए थे, और ढाई कप मोटा वाला चावल जिसे इडली बनाते हैं या डोसा बनाते हैं वो डाल दिए थे, ये भी अच्छी तरह फूल गया है। धोने के बाद एक मिक्सी जार में डाल के इसे बारीक पीस लेंगे। दाल पीस जाने के बाद एक बर्तन में इसे डाल देंगे। अब इसी मिक्सी जार में हम डालेंगे चावल। चावल में भी थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे पीस लेंगे। दाल के घोल में ही पिसा हुआ चावल भी डाल के इसे मिला देंगे। इन दोनों को अच्छी तरह मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे 7 से 8 घंटा खमीर होने के लिए छोड़ देते हैं। 8 घंटा हो गया है, अब इसे हम देख लेते हैं। अब देखिए खमीर के कारण कितना हल्का हो गया है। इसके बाद डाल देंगे इसमें नमक 1 चम्मच के करीब। अब हम ले लेंगे इडली स्टैंड, अब इसे और इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल के इसे ग्रीस कर देंगे इसका ईयर, ताकि इडली चिपके नहीं। अब हम इडली स्टैंड में घोल डाल देंगे, पूरा ऊपर तक नहीं भरेंगे इसको। में घोल डाल चुके हैं, इडली स्टैंड में पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिए थे और पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें ये सांचा डाल देते हैं, दूसरा वाला भी डाल देते हैं। अब इसे हम ढक के 12 से 15 मिनट तक पका लेंगे। आंच को मीडियम रखे हैं। 15 मिनट हो गए हैं, देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। अब हम टूथपिक की सहायता से इसे देख लेते हैं एक बार। ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकला है। अब इसे ठंडा होने के बाद हम निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना क्लीन निकला है। इसी तरह सारे निकाल लेंगे। अब सारे इडली को हम एक एक करके निकाल लेते हैं। इडली बनके तैयार हो गया है, और देखिए कितना सॉफ्ट बना है।